गुप्ता चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम ये पूछें कि क्या सियासत की ज़रूरत है या राहत की ज़रूरत है, पहले सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे अपने संवाददाता के पास, उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी से हमारे साथ हेमकांत नौटियाल जुड़ेंगे और साथ ही साथ चमोली से हमारे साथ हरीश जुड़ेंगे, और दोनों से हम जानेंगे कि वहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है। सरकार के तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्या वहाँ तक लोग जो पीड़ित हैं उन तक राहत का सामान पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है? पहुँचा रहा है तो कौन पहुँचा रहा है? जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद दुख पहुँचाने वाली तस्वीर है कि लोग आज आपस में वहाँ राहत के लिए लड़ रहे हैं, राहत के सामान के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि बहुत साफ है, खामियाँ है, कमियाँ हैं, दोनों चीज़ें हैं। राहत सामान की कमियां भी हैं और वहां पे खामियां भी हैं। हमारे साथ उत्तरकाशी से हेमकांत नौटियाल जुड़े हुए हैं। हेमकांत, ताजा स्थिति क्या है? अगर हम राहत की बात करें, जो लोग पीड़ित हैं उन तक राहत का सामान पहुंचने की शुरुआत हुई या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरकाशी के जो आपदा ग्रस्त क्षेत्र हैं, तिलोथ तिलोथ हो गया, जीशाड़ा हो गया और ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बड़ा भी खाद्यान्न का बना हुआ है। वहाँ पर राहत सामग्री, हालांकि यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर उत्तराखंड गवर्नमेंट जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं कि यहाँ वो जो है मनेरी, भटवाड़ी और हरसिल में रस सामग्री छोड़ने का कार्य करें, लेकिन अभी भी दिक्कत उन गाँव की है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत दूर है, जहाँ पे जो है सड़कें तो हैं लेकिन वो बिल्कुल टूटी हुई है। जैसे कई लगभग जो सैकड़ों गांव ऊपर के ऊपरी क्षेत्रों में है जहाँ पर अभी खाद्य संकट जो है पैदा हो रखा है। जैसे अस्सी गंगा क्षेत्र के गांव जहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकते हैं, और मनेरी इसके ऊपर जो है कई गौशाली है, बारसू है, इन जगहों पे जो है हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकते, तो खाद्य संकट उन जगहों पे जरूर बना। लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट जो गांव है उन गांवों में जो है खाद्य सामग्री हेलीकॉप्टरों के द्वारा बराबर ले जा रही है। कितने प्रतिशत ऐसे ऐसे लोग होंगे या ऐसी जगह हैं जहां पर राहत का काम नहीं, राहत नहीं पहुंच पा रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई गांव ऊपरी क्षेत्रों में है जो सैकड़ों गांव है, टकनोर पट्टी में जो दूर दराज के गांव है, जैसे भंकोली हो गया, गजोली हो गया, ढासला हो गया, अगोड़ा हो गया, और ऊपर जो है बारचू हो गया, स्याबा हो गया, इन जगहों पे ऐसे तमाम ऐसे सैकड़ों गांव है जहां पर अभी भी खाद्य संकट बना हुआ है, क्योंकि पगडंडियों के जरिए जो है इन जगहों से रास्ते बनाए गए थे, तो इन यात्री को जो है रसद सामग्री दी थी और काफी जो है इनके खेत खलिहान भी बह गए थे, तो जो इनके पास था वो उन्होंने सब जो है अब यात्रियों को खला दिया, या फिर स्वयं के बच्चे भी उनके होते हैं उनको भी दे दिया, तो इन जगहों पे संकट बना हुआ है। हालांकि जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं उनका कहना था कि जो है वहाँ पे हेलीपैड बनाए जाएंगे जिन जगहों पे रसद सामग्री नहीं पहुंचाई जाए। नहीं, अब 16 दिन हो गए हैं, अगर आप देखें 16-17 दिन के बाद जो लोग, जिन लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास तमाम असुविधाएं हैं, आप बता रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसे लोग कैसे जिंदा कैसे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो है ये लोग जो है जब हम आज हम इन क्षेत्रों में गए थे, आज हम हमारा हम लोग जो है स्वयं अस्सी गंगा क्षेत्र में हमने दौरा किया था, हम लोग स्वयं गए थे, हमारी टीम वहां पर गई थी, तो उन लोगों का कहना था कि जो है हम लोग जो है पैदल कई मील दूर तय करके जो है तब लगभग 18 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है उन क्षेत्रों तक आ रहे हैं जहाँ पर खाद्य सामग्री मिल रही है, दुकानें जहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर उनको वो सामग्री भी नहीं मिल पा रही है। बड़ी मुश्किल से जब हमारी आज एक व्यक्ति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से 1 किलो चीनी का प्रबंध कर पाया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, अभी तो वो लोग फिलहाल काम चला ही रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में वहां पर जो है खाद्य संकट जो है बहुत बड़ा गहरा सकता है। जी, हेमकांत, आप नजर बनाए रखें। अभी भी आपने हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से बता रहे थे कि अभी भी कई ऐसे
जगह हैं जहां लोग फंसे हुए हैं, जहां तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है रात के, ऐसे में श्याम जी जहां इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर कि राहत नहीं मिल रहा है, ऐसे में सियासत करना कितना जायज़ है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस के विदीन जो विरोधी हैं उनके तरफ से हो, चाहे जो कांग्रेस के विरोधी हैं उसके तरफ से हो, क्या इससे जो राहत पे केंद्रित काम है वो बाधित नहीं होता है आपको लगता है? निश्चित रूप से पहले दिन से भी हम यही कहते आए हैं और यही आज भी कह रहे हैं, इस प्रकार का संकट ये कोई एक स्टेट तक सीमित नहीं रहता है, कोई एक सरकार तक सीमित नहीं रहता है, ये कुदरती जो संकट है इसको पार करने के लिए पूरे देश को एकजुटता का एहसास होना चाहिए। आप कह रहे हैं लेकिन अगर आप देखें, पर 15-20 दिन, कल सीएजी का रिपोर्ट आपदा प्रबंधन के बारे में गवर्नमेंट के सीएजी ने दिया है, हमने तो 15 दिन बात भी नहीं की थी कि जिस आपदा प्रबंधन समिति की एक भी मीटिंग हुई। इस समय जैसे बीजेपी वहां विरोधी मुख्य विरोधी दल भी देश में भी आप हैं, आप इस समय अगर कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो कांग्रेस के अंदर जो विरोधी है, कांग्रेस के बाहर जो आपके बीजेपी जो विरोधी है, कि आप राहत पे केंद्रित करके जो लोग आज अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, उस माध्यम से जहां जहां आप राहत में इस वक्त मदद करके उन लोगों को बचा सकते हैं, वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? ऑलरेडी हम काम ये कर रहे हैं। हमने हमारे पूरे देश में हमने आंदोलन का मैसेज दिया था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर वो आंदोलन पूरे देश में पीछे लेकर सब लोगों ने आपदा राहत में जुड़ना चाहिए, ये सर्कुलर हमने यहां से दिया, राजनाथ जी ने पूरे देश को मैसेज दिया है, और उस सर्कुलर में हमने लिखा है भारतीय जनता पार्टी आपदा राहत कोष में आप दे सकते हैं या मुख्यमंत्री निधि उत्तराखंड के सरकार में दे सकते हैं, यह भाजपा के अधिकृत स्टेटमेंट में हमने पूरे देश में दिया है। इसके पहले भी जब जब भी संकट आया बिहार को सबसे पहली 3 करोड़ की मदद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने भेजी थी जब बिहार पे संकट आया था, तो इसलिए ये काम तो हम प्राथमिकता से करते हैं। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कैंप लगा रहे, उनका तो फोटो भी नहीं आना देना चाह रहे, वो अपनी तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे वहां कितने सेंटर काम कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वहां की कम्युनिकेशन की व्यवस्था पूरे देश के लिए अवेलेबल है। यहां भी हमने एक सेंटर पे हेडक्वार्टर पे इसका एक वार रूम खोल के वहां से हम पूरे देश की ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये लोगों को बताने के लिए नहीं कर रहे, ये हमारा प्राथमिक काम है और वो करना चाहिए, वो अगर हम नहीं करते तो गलती होती, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ये हमारा नेचर का पार्ट है जी। लेकिन इसके साथ साथ भी सियासत भी शुरुआत हो गई है, इससे उससे सीधा बाधित हो रहा है, चाहे कांग्रेस बीजेपी जो भी कर रहे हो, इससे लोग प्रभावित होंगे कि नहीं? अगर कल मनीष तिवारी ऐसा नहीं बोलते कि दोनों विपक्ष के नेता कहां थे, तो फिर यह हमें नहीं कहना पड़ता कि सुषमा जी का पहला फोन इस दिन इतने रात को हुआ और शिंदे जी को यह मैसेज पहला सुषमा जी ने दिया, यह पूरे देश को हमें बताना पड़ा। 15 दिन तो हम चुप थे, बिल्कुल सुषमा जी के ट्वीट के जवाब में ही मनीष जी ने ट्वीट किया था। दोनों लोग ट्वीट पे थे और ट्वीट की बात वही कल से हम वही लगातार कह रहे हैं कि आप सियासत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मैं शकील साहब आऊंगा, पहले चमोली से हमारे संवाददाता हैं हरीश। हरीश, क्या स्थिति है चमोली में इस वक्त? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह की यहाँ पे स्थितियां हैं बेहद खराब है, क्योंकि तमाम जो गांव ऐसे हैं जो जिनका सड़क जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, वहां पे किसी तरह से भी नहीं जाया जा सकता है, चाहे वो आदमी की बात करें या फिर हम जानवरों की बात करें या हम बच्चों की अगर बात करते हैं कि किसी तरह से वहां तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जाए तो वो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। हालांकि इस समय प्रशासन की तरफ से कुछ जगहों पर इस समय हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर राहत सामग्री भेजी गई है, या फिर हम बात करें जो सीमेंट के उर्गम ब्लॉक की बात उर्गम की बात करें तो उर्गम में इस समय कुछ राहत पहुंच पाई है। हालांकि जो अभी जो पिंडर घाटी है, पिंडर घाटी में किसी प्रकार की सामग्री नहीं पहुंच पाई है, लोगों में बेहद। मैं आपको रोकना चाहता हूं हरीश, आपने जिस जगह का नाम बताया कि यहां अब तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है या नहीं वहां पे पहुंचा है, तो लोग कैसे रह रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े दावे हैं कि हम तमाम जगहों पर राशन जो सामग्री है खाद्यान्न सामग्री वहां पर भेज देंगे, लेकिन अभी लोगों के अंदर सबसे बड़ा संकट केरोसिन का है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं जो लोगों को खाना बनाने की दिक्कत है, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, उनके पास केरोसिन नहीं है, उनके पास अनाज ही नहीं है, जो कुछ बचा था वो सब खत्म हो चुका है। अब उनके पास बड़ी समस्या इस बात की है कि आखिरकार वो अपना कैसे अपना घर का चूल्हा जलाएं। तो जो जगह है, हालांकि इस समय की अगर बात करें तो देवाल की साइड से तो वहां से कुछ संपर्क मार्ग है, लेकिन जो सरकार की तरफ
सरकार के तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हर जगह राहत का सामान पहुंचाया जा रहे हैं, तो क्या ये जमीन पे नहीं पहुंच पा रहा है? ये दावे सिर्फ क्या कागजों पे है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ की अगर बात करें, चमोली जनपद की अगर बात करें, तो तमाम जगह ऐसी है कि जहाँ अभी भी सामग्री नहीं पहुंच पाई है। चाहे हम कलकोट की बात करें या डुमक की बात करें, तो वहाँ पे काफी दुर्गम इलाका है और वहाँ पे भी पूरी तरह से जो जो रास्ते हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई पुल टूट गए हैं, कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, तो वहाँ पे किसी तरह से मुमकिन नहीं है पहुँचना। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है सड़कों के द्वारा या पैदल, क्या हेलीकॉप्टर से वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि अगर वहाँ पे ये इंसान नहीं पहुँच पाता है या ये पैदल नहीं पहुँचा जा सकता, तो इस समय तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए से वहाँ पे राशन पहुँचाई जानी चाहिए, लेकिन ये चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जो यात्री वहाँ फंसे हुए थे बद्रीनाथ की अगर बात करें, तो बद्रीनाथ में यात्री फंसे हुए थे, उन पर पूरा केंद्र इस समय प्रशासन का था, शासन का था, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हालांकि समय की अगर बात करें तो अधिकांश प्राथमिकता चूंकि पर्यटक या तीर्थयात्री थे, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनकी अनदेखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं अब मैं ये मानता हूँ कि जैसे जिस तरह से वहाँ पे इस समय जो रोजगार के लिए परिवार में गए होते हैं जो लोग, तो वो वहाँ फंसे हुए हैं, अब क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ हरीश, कि ये मुमकिन नहीं है वहां तक राहत पहुंचाना, या प्रशासनिक जिसे कहते हैं प्रशासन ढीला है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं मुमकिन भी नहीं ही माना जा सकता है, क्योंकि हम खुद चलकर वहां पे गए हैं, कल पैदल हम कलकोट डुमक जैसी तमाम ऐसी दुर्गम इलाकों में हम गए हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों के दौर से वहां पे गुजरे हैं, क्योंकि जो चट्टान सवाल है कि जब आप पहुंच सकते हैं, जब आप पहुंच सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, तो फिर प्रशासन के लोग राहत को लेकर क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? देखिए जो चीजें सामने आती हैं, क्षेत्र विकट है कि अपने आप में एक बैग उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से मैं समझता हूँ वहां पे हेलीकॉप्टर के अगर माध्यम से वहां पे राशन अगर भेजी जाए तो ये सबसे बेटर होगा जी। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो लगातार बताए जा रहे हैं मीडिया को या देहरादून में जो बताए जा रहे हैं हम, कि राहत का काम तेजी से चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि राहत का काम अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां राहत पहुंच ही नहीं पा रहे। हरीश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।